नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आप जानते ही हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर सा और काफ़ी अट्रैक्टिव सा एक घर आप देख रहे हैं। ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन जो हमने बनाया था, जिसका प्लान भी हमने बनाया था, ग्राउंड फ्लोर का प्लान भी हमने बनाया था और फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी हमने बनाया था, तो वो प्लान भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए गए थे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है लगभग पूरा का पूरा चेंज किया गया था। वो किस टाइप में चेंज किया था वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में उसके कलर कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया था वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में इसका ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का जो नक्शा है वो भी मैं आपको शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। तो हो सकता है इस वीडियो से आपको आपके घर के लिए या आपके प्लान के लिए कुछ आइडियाज आए, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसका प्लान भी काफ़ी बढ़िया है और डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस टाइप में पूरा डिज़ाइन हमने बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्किंग के लिए एरिया बताया गया है। यहाँ पर स्टेप चढ़ के यहाँ पर एक वरंडा है छोटा सा, और वरंडे के सामने यहाँ पर फ्रंट में एक डोर बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक विंडो और यहाँ पर एक विंडो है, और फ्रंट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पूरा जो बालकनी दिया गया, इस टाइप में हमने डेकोरेट किया है। ऊपर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर, काफ़ी अट्रैक्टिव सा एक डिज़ाइन बनाया गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो विंडोज़ है, विंडोज़ को भी इस टाइप में सिंपल सा और अट्रैक्टिव सा एक डिज़ाइन बनाया गया है। तो इस टाइप में पूरा डिज़ाइन हमने बनाया था। अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, वो चेंजेस जो किस टाइप में बनाए थे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बालकन जो है लगभग बढ़ा दिया गया है, और उसके बाद में यहाँ पर एक विंडो दिया गया है, और यहाँ पर जो विंडो सेम है एज इट इज़, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले डिज़ाइन में बताया था, यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद में ऊपर आप देख सकते हैं ये पूरा जो रूम बताया गया है, यहाँ पर ये ओपन टेरेस बताया गया है, और इसको भी हमने काफ़ी सुंदर, काफ़ी अट्रैक्टिव सा डेकोरेट करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ यूनिक सा डिज़ाइन दिया गया है। उसके बाद में कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यस दिया गया है, ये यस उनकी रिक्वायरमेंट थी, मतलब उनको बिल्डिंग पर कहीं पर तो भी यहाँ पर यस होना था, तो उन्होंने जो है हमको बताया था, इसी टाइप में हमने ये पूरा यस उनको बना कर दिया था। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिज़ाइन बनाते हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट का पूरा भी ख्याल रखते हैं। तो आपको भी डिज़ाइन या प्लान बनाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके बाद में डिज़ाइन में आप देख सकते हैं डिज़ाइन में भी काफ़ी चेंज किए गए हैं। यहाँ का डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है। उसके बाद में यहाँ का डिज़ाइन भी काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्लोपिंग का छोटा सा रूफ है, इससे भी ये पूरा का डिज़ाइन जो है कम्प्लीटली काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और उसके बाद में यहाँ का जो स्लोपिंग रूफ है ये भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। उसके बाद में डिज़ाइन में आप देख सकते हैं नॉमिनल चेंज किए गए हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है चेंज किया गया है कार, और यहाँ पर जो चेंज किया गया है इसका डोर, और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये नाम लिखा गया है, ठीक है। तो नॉमिनल चेंजेस है डिज़ाइन में, बाकी जो डिज़ाइन है लगभग सेम है। उसके बाद में कलर कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं पूरी का पूरा जो डिज़ाइन है चेंज हो चुका है, मतलब पहला वाला कलर कॉम्बिनेशन और ये कलर कॉम्बिनेशन में आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आ जाएंगे। ये जो है डार्क कलर कॉम्बिनेशन है, और इसको जो है हमने लाइट कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर कॉम्बिनेशन जो है पूरा का पूरा चेंज किया गया है, मतलब फर्स्ट वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है उसमें और इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, ये भी कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है। और उसके बाद में इसमें जो है कलर कॉम्बिनेशन तो सेम है, लेकिन वॉल कंपाउंड जो है ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा बाउंड्री वॉल जो है वो ऐड किया गया है, ये वॉल कंपाउंड या कंपाउंड वॉल डिज़ाइन भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सा कंपाउंड वॉल डिज़ाइन दिया गया है और काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन दिया गया है, इससे ये जो घर का लुक है ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं, इस टाइप में ये पूरा जो है डिज़ाइन हमने बनाया था। अब इसका जो नक्शा हमने बनाया था वो किस टाइप में बनाया था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर का नक्शा। अब कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा प्लान बनाया गया था, और ये पूरा प्लान जो है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 29 फीट बाय 37 फीट में बनाया गया है यहाँ से। उसके बाद में 4 फीट एक्स्ट्रा गैलरी बताई गई है, और आजू बाजू में जो है उनका ही जगह थी, तो ये स्पेस जो है प्लॉट का एरिया जो है काफ़ी बड़ा था, लेकिन कंस्ट्रक्शन का एरिया आप देखेंगे तो लगभग 29 फीट बाय 37 फीट है, या तो फिर हम इसे 30 फीट बाय 40 फीट में भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 फीट जो है वरांडा बताया गया है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 41 फीट यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक, यहाँ से इस कॉर्नर तक, उसके बाद में 29 फीट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो इसे हम 30 फीट बाय 40 फीट का भी प्लान समझ लेते हैं, ठीक है। अभी तो हम इसे 30 फीट बाय 40 फीट का भी प्लान समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड बताया गया है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है प्लॉट का डायरेक्शन भी बताया गया है, यहाँ पर जो है पार्किंग का एरिया बताया गया है,
तो पार्किंग का एरिया भी काफ़ी बड़ा है, लगभग 11.5 फीट बाय 10 फीट 2 इंच है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में एक्स्ट्रा भी यहाँ पर, क्योंकि प्लॉट जो है काफ़ी बड़ा था तो पार्किंग के लिए काफ़ी बड़ा एरिया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर पूरा पूरा जो है वरांडा रहेगा, यहाँ से एंट्री करेंगे हमारे इस लिविंग रूम में। तो इसे हम डुप्लेक्स हाउस प्लान भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेयर के जो है अंदर से दिया गया है, हॉल में बताया गया है, स्टेयर के जो है यहाँ से स्टार्ट किया गया है, उसके बाद में यहाँ से टर्न करेंगे और इसके नीचे टीवी यूनिट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर सोफा सेट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से आप देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से हमको बालकनी लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर एक पूजा रूम बताया गया है। अब ये जो पूजा रूम है इसका साइज़ है लगभग 7 फीट बाय 5 फीट का है, मतलब लगभग 7 फीट बाय 5 फीट का है। उसके बाद में यहाँ पर एक डोर आपको नज़र आ रहा है, ये जो डोर है इस हमारे इस बेडरूम का डोर बताया गया है, जिसका साइज़ है लगभग 11 फीट 2 इंच बाय 13 फीट का है, मतलब 11 फीट 2 इंच बाय 13 फीट का, ये भी काफ़ी बढ़िया साइज़ है। यहाँ पर एक विंडो बताया गया है। तो आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर किचन बताया है लगभग 8 फीट बाय 13 फीट 10 इंच का इसका साइज़ बताया गया है। यहाँ का पोर्शन जो है एक्स्ट्रा पैसे मिलता है हमको 8 फीट बाय 14 फीट का, यहाँ पर किचन है, किचन को पीछे की साइड में एक विंडो बताया गया है और किचन को यहाँ पर भी एक डोर बताया गया है इस साइड का पैसेज यूज़ करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर एक बाथरूम और यहाँ पर टॉयलेट बताया गया है जो कॉमनली यूज़ किया जाएगा, मतलब जनरल यूज़ किया जाएगा, लगभग सभी मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं और लिविंग रूम से भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, किसी की प्राइवेसी हमको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका साइज़ है लगभग बाथरूम का साइज़ है 4 फीट बाय 8 फीट का है, मतलब लगभग 4 फीट बाय 8 फीट का है, और टॉयलेट का जो है 4 फीट बाय 6 फीट का है, मतलब ये भी काफ़ी बड़ा साइज़ बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ज़रूरत इतने बड़े टॉयलेट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान बनाया गया था, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टॉयलेट का साइज़ बढ़ाया गया है। उसके बाद में फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेडरूम है 10 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का इसका साइज़ बताया गया है, मतलब लगभग 10.5 फीट बाय 12 फीट का इस बेडरूम का साइज़ बताया गया है, और इसे इस साइड में एक विंडो बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 2 बेडरूम बताए गए हैं, नीचे एक किचन है, टॉयलेट बाथरूम है कॉमन, और यहाँ पर एक पूजा रूम एडजस्ट किया गया है, और यहाँ पर बड़ा सा लिविंग रूम दिया गया है। तो इसे हम डुप्लेक्स हाउस प्लान भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ ताकि आपको और भी डायमेंशन इसके क्लियर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान जो है किस टाइप में बनाया था वो भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से हमारी, जैसे कि हमने आपको बताया था ये हमारा डुप्लेक्स हॉल है, तो ग्राउंड फ्लोर से हमारी एंट्री यहाँ पर होती है स्टेयरकेस से, यहाँ पर इस बालकनी पर लगभग 4 फीट 6 इंच वाइड जो है यहाँ पर बालकनी है, इसे भी जूम करके बताता हूँ, डायमेंशन आपको और भी क्लियर नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 4 फीट 4.5 फीट का जो है बालकनी है, यहाँ पर हम एंट्री करने वाले हैं, उसके बाद में यहाँ से हम बाहर भी निकल सकते हैं, ये पूरा पूरा बालकनी रहेगा और यहाँ पर हम स्लैब नहीं डालेंगे, यहाँ का जो स्लैब रहेगा ये डायरेक्टली ऊपर के फ्लोर का रहेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इस बालकनी पर खड़े रहेंगे तो यहाँ पर नीचे जो सोफ़ा सेट पर बैठने वाले जो लोग हैं उनको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 फीट का गैलरी रहेगा, यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर ओपन टेरेस रहेगा, ये काफ़ी बढ़िया एरिया है। जैसे कि हमने 3D फ्रंट एलिवेशन में आपको बताया था ये एरिया जो है हम काफ़ी हमारे हिसाब से अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, मतलब डेकोरेट भी कर सकते हैं और यहाँ पर छोटा सा गार्डन वगैरह बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा बालकनी बताया गया है लगभग 4 फीट वाइड है यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि हमने डिज़ाइन में आपको बताया था। आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर पूजा रूम एडजस्ट किया गया है, जैसे कि हमने नीचे पूजा रूम एडजस्ट किया गया था वही सेम पूजा रूम जो है ऊपर भी एडजस्ट किया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम बेडरूम दिया गया है, जैसे कि नीचे एडजस्ट किया गया है 11 फीट 2 इंच बाय 13 फीट का इस बेडरूम का साइज़ बताया गया है, और यहाँ पर फिर से एक बेडरूम बताया गया है 10.5 फीट बाय 12 फीट का, जैसे कि नीचे बताया गया है। कॉमन टॉयलेट बाथरूम जो दिया गया है जैसे कि जनरल हमने नीचे बताया था सेम एज इट ऊपर अभी दिया गया है, और सेम किचन भी ऊपर भी दिया गया है, मतलब नीचे का और आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का प्लान लगभग सेम है, नॉर्मल कुछ चेंजेस किए गए हैं जैसे हमने आपको बताए थे। तो इस प्लान में आउटर वॉल जो हमने 9 इंच के लिए है, इनर वॉल जो है 4 इंच के लिए है, और पूरा का पूरा प्लान जो है हमने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा ख्याल रख के हमने प्लान बनाया था। तो आपको भी आपके प्लान बनाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर बताए गए हैं, और उसके बाद में 3D फ्रंट एलिवेशन पर भी आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 29 फीट बाय 37 फीट है यहाँ से यहाँ तक एरिया, लेकिन 30 फीट बाय 40 फीट में ये पूरा प्लान जो है बैठ सकता है। तो आशा करता हूँ आज के जो दोनों प्लान है ग्राउंड फ्लोर के और फर्स्ट फ्लोर का प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में और पसंद गया है, और उसके बाद में इसका जो 3D फ्रंट एलिवेशन बना था, जो फर्स्ट वाला जो डिज़ाइन है वो भी आपको बताया था, और उसके बाद में सेकंड वाला जो डिज़ाइन है वो भी आपको बताया था। तो आपको जो कौन सा डिज़ाइन पसंद आया है, फर्स्ट वाला डिज़ाइन पसंद आया है या सेकंड वाला डिज़ाइन पसंद आया है, ये भी आप कमेंट में कर सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट भी आप कमेंट कर सकते हैं।
तो आशा करता हूँ आज का छोटा सा वीडियो जो है आपको डिटेल में समझ में और पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है, किसी को कुछ आइडियाज़ आ सकती है उनके प्लान के लिए, उनके घर के लिए, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से किसी की मदद हो सकती है, किसी को अपने सपनों का घर का कुछ आइडियाज़ आ सकता है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।